वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस एक्सन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। मेरा नाम फिजान। मेरा नाम है जावेद। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की वीडियो भाई जी लेके हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, दोनों कंपैरिजन है कि कौन सी इंडियन की इंडस्ट्री अच्छी है या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है। वो तो वीडियो पता देखेंगे तो पता लगेगा किसकी अच्छी है। अगर मैं चैनल बिना चैनल सब्सक्राइब करने वाला है, प्रेस करें जो आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन तक पहले पहुंच जाएगा। कौन स्टार्ट करते हैं? फिर वन स्टार्ट। व्यूअर्स वेलकम टू द वीडियो, और इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ। भारत सबसे आगे है। इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत 1910 में हुई और मुंबई इंडिया की फिल्म सिटी है। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत 1947 में हुई और लाहौर पाकिस्तान की फिल्म सिटी है। इंडिया में 6800 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं और 2170 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थिएटर्स हैं। पाकिस्तान में टोटल 400 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं। लास्ट ईयर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 3.81 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि बनते हैं 27,928 करोड़ इंडियन रुपीस। लास्ट ईयर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 40 मिलियन यूएस डॉलर था, जो कि बनते हैं 620 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब तक 1,50,000 मूवीज रिलीज की गई हैं और लास्ट ईयर 2020 में 700 मूवीज को रिलीज किया गया था। ग्लोबली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 3.8 बिलियन व्यूवर्स हैं और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में रिलीज की गई थी। बहुत पुरानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक 15,000 मूवीज को रिलीज किया गया है और लास्ट ईयर 2020 में 25 मूवीज को रिलीज किया गया था। ग्लोबली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के 100 मिलियन व्यूवर्स हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली मूवी थी तेरी याद, जो कि 1948 में रिलीज की गई थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में नंबर वन पे है दंगल, बॉक्स ऑफिस 2024 करोड़ इंडियन रुपीस। नंबर टू बाहुबली बॉक्स ऑफिस 1810 करोड़ इंडियन रुपीस। नंबर थ्री बजरंगी भाईजान, बॉक्स ऑफिस 669 करोड़ इंडियन रुपीस। नंबर फोर सीक्रेट सुपरस्टार, सिंगल 966 करोड़ इंडियन रुपीस। नंबर फाइव पीके, बॉक्स ऑफिस 832 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में नंबर वन पे है जवानी फिर नहीं आनी 2, बॉक्स ऑफिस 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। नंबर टू पंजाब नहीं जाऊंगी, बॉक्स ऑफिस 51.65 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। बहुत कम। नंबर थ्री तीफा इन ट्रबल, बॉक्स ऑफिस 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। नंबर फोर जवानी फिर नहीं आनी, बॉक्स ऑफिस 49.44 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। नंबर फाइव परवाज है जनून, बॉक्स ऑफिस 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रिचेस्ट एक्टर्स में नंबर वन पे है शाहरुख खान, नेटवर्थ 600 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर टू अमिताभ बच्चन, नेटवर्थ 400 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर थ्री सलमान खान, नेटवर्थ 310 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर फोर अक्षय कुमार, नेटवर्थ 240 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर फाइव आमिर खान, नेटवर्थ 180 मिलियन यूएस डॉलर। बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिचेस्ट एक्टर्स में नंबर वन पे है शान शाहिद, नेटवर्थ 20 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर टू अली जफर, नेटवर्थ 16 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर थ्री हुमायूं सईद, नेटवर्थ 10 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर फोर फहद मुस्तफा, नेटवर्थ 5 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर फाइव फरवाज खान, नेटवर्थ 4 मिलियन यूएस डॉलर। तो ये थी आज की वीडियो। हम एंड करते हैं और ये अमेजिंग वीडियो आज पूरी गई आपके लिए। हम ये लेकर आए थे कि पाकिस्तान वैसे इंडिया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा है कि इंडिया जो जो इनकी पहली मूवी स्टार्ट हुई थी 1910 में हुई थी और पाकिस्तान की थी 1947 में तेरी याद, और उनकी थी राजस्थानी। और अगर देखा जाए कि इन्होंने काफ़ी इंडस्ट्री ने पैसा कमाया है, मतलब इंडिया ने बहुत कमाया है, बहुत ज़्यादा भाई। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो सिर्फ शाहरुख खान है। उसने 600 मिलियन यूएस डॉलर उसके पास पड़े हुए। उसके बाद अमिताभ बच्चन है जिसके पास 400 मिलियन यूएस डॉलर पड़े हुए। उसके बाद
मतलब वो हर कैटेगरी बजरंग बली है, हाँ, हर कैटेगरी के जो है ना जो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो हुई है, मतलब हर मूवी ने अपने अपने एक किरदार दिखाया है। जो मूवी अच्छी है वो ट्रेंडिंग चली गई, उनके व्यूज भी बहुत पैसा कमाया यार, बिलियन में आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान की मूवीज की बात करें जैसा की टिफा इन ट्रबल चल जाए तो उनके इतने व्यूज नहीं आते जितने के भारत के व्यूज आते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम दोनों इंडस्ट्री की बात करें भाई, तो भारत इंडस्ट्री पाकिस्तान इंडस्ट्री से ज्यादा आगे है, ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे है। फिल्म इंडस्ट्री डाउन है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डाउन है यार, बहुत ज्यादा नहीं वहां पर होती, क्योंकि यहां पर अगर भारत की बात करें इंडस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड है, बहुत ज्यादा तमिल है, तमिलनाडु है, मतलब वहां पर कॉफी इंडस्ट्री वगैरह है जहां पर मूवीज बनती है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इसमें कॉफी कैटेगरीज है। और पाकिस्तान की जो है बहुत डाउन जा रही है, मतलब वो नहीं कर सकते, जिस तरह इंडिया की मूवी बनती है वो इस तरह यहाँ पे नहीं बन सकती, हमारे सिर्फ पंजाबी है बस। इनके पास जो है मॉरल देते हैं, सिखाते हैं मूवी के अंदर, काफी हमें अच्छा लगता है देख के। तो मुझे आप बताने आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच करें, चैनल बनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जो मुझे आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।